साउथ अफ्रीका ने आज साबित कर दिया कि वो हमेशा चौकसी रहेंगे। नेदरलैंड से हारने के बाद साउथ अफ्रीका ने साबित किया कि वो कितने बड़े चौकस हैं। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। पहले बल्लेबाजी करते हुए नेदरलैंड ने 20 ओवर में मात्र 158 रन बनाए, लेकिन साउथ अफ्रीका टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए 145 रन पर ऑल आउट हो गई और खुशी खुशी इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। लेकिन 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 इसके साथ ही साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल का रास्ता खोल दिया और पाकिस्तान को चाहिए ही क्या था, और उसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। और इधर इंडिया ने जिम्बाब्वे को रौंद दिया। वैसे तो इंडिया पहले से ही क्वालिफाइड कर चुकी थी, लेकिन अब मज़ा आएगा, क्योंकि अब संभावनाएं हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल में मुकाबला हो सकता है, क्योंकि इंडिया का मुकाबला इंग्लैंड से है और इंडिया इंग्लैंड को हराएगा ही। और उधर से न्यूजीलैंड, जो कि पाकिस्तान से खेलने वाली है, उसकी संभावनाएं हैं कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को भी हरा दे। इस तरह हमें इस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का वो ऐतिहासिक मैच देखने को मिल सकता है, जिसके लिए हर इंडियन और पाकिस्तानी बेसब्री से इंतजार करते हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, नहीं, तो आपको क्या लगता है, क्या इस बार हमें इंडिया और पाकिस्तान का टक्कर T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिल सकता है? अपना कमेंट जरूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।